हो कि वो क्या प्रॉब्लम है। सर हम खुद, क्योंकि हम अपना काम नहीं हाँ करते देखो, टाइम से। मुझे एक ही बात लगती है आज तक जीवन में, एक ही चीज समझा हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या हम खुद है। सेल्फ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे को रोकने वाला ना, हम चाहे कितना भी कहते रहे कि ये चीज ने हमें रोक दिया, वो चीज ने रोक दिया, ऐसा हो गया, ये सब गलत है। सबसे बड़ी बाधा हमारी कोई है, और बाधाएं बहुत छोटी है उसके मुकाबले, पर सबसे बड़ी बाधा सेल्फ है, मैं खुद हूँ। और अगर मैं इस मैं वाली बाधा से जीत गया, अपने आप से जीत गया, और बहुत बहुत विद्वान लोग इस पर कह के गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत विद्वान लोगों की बात कह रहा हूँ। बहुत सारे विद्वान लोगों ने हमें बताया है कि सेल्फ कितना बड़ा इशू है। कोई ईश्वर की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, कोई कुछ भी प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे आती है? मैं से आती है। और जो इस मैं से बाहर हो गया, जो इस मैं से जीत गया, अपने आप से अगर आप जीत गया, एक बहुत पॉपुलर वो भी है, खुद के हारे हार है, खुद के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। बहुत सारे लोगों ने इस पर बोला है कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? मैं खुद हूँ। खुद के हारने से ही हार होती है। मैं खुद कह देता हूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये हो गया, तो मैं हार जाता हूँ। और मेरे जीतने से ही जीत हो जाती है। मैं खुद तय कर देता हूँ कि नहीं जी, मेरे को जीतना है, मैं जीत जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को यही रिमाइंड कराना चाहता हूँ, डांटना नहीं चाहता, कुछ कहने का मेरा कोई वैसा उद्देश्य नहीं है, बस ये याद कराना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक गोल है, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, हमेशा पहले दिन भी बधाई देता था, आज फिर देता हूँ, कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपका एक गोल है। तथागत बुद्ध ने हमें बताया है कि मतलब पतित लोग जो होते हैं ना, पतित, हम उम्मीद है सभी लोग समझते होंगे पतित। तथागत बुद्ध को मैं मतलब अब तक का सबसे बड़ा टीचर मानता हूँ, तो उनसे सबसे ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो पतित व्यक्ति जो होते हैं, पतित मतलब गिरा हुआ इंसान, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं गिरा हुआ व्यक्ति है। तो जो पतित व्यक्ति होता है, पतित व्यक्ति भी दो तरीके के होते हैं। एक पतित व्यक्ति होता है जिसका कोई मापदंड नहीं होता, और दूसरा होता है जिसका मापदंड होता है। मतलब वो गिरा तो होता है, कि गिरा हुआ पतित है, उस पर उसे पता है कि मैं गिरा हुआ हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, गलत व्यक्ति हूँ। गलत होने में वो कहते हैं कि इतना हम नुकसान नहीं है, गलत होने में नुकसान नहीं है, पर ये पता ना होना कि मैं गलत हूँ, ये ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके पास कोई माप नहीं है, कोई पैमाना ही नहीं है, गिरे हुए होने का कोई, पतित होने का कोई पैमाना ही नहीं है, उसने कोई वैल्यू सिस्टम, उसने कोई एक मेजरमेंट यार्ड स्टिक लिया ही नहीं है। तो आपने जब यार्ड स्टिक लिया ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने गहरे डूब रहे हो। पर अगर किसी के पास यार्ड स्टिक है, कम से कम गलती कर रहा है, और उसे ये पता है कि हाँ यार मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये ठीक है, पर मुझे ये पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तब वो सबसे एक एज ए स्टूडेंट सबसे खराब सिचुएशन हो सकती है। तो आप लोग सब लोग बधाई के पात्र हो, अच्छे लोग हो, जिनके जीवन में एक उद्देश्य है, जिन्होंने एक उद्देश्य लिया है। आप उद्देश्य विहीन नहीं हो, ठीक है, आपके पास कुछ आपने तय किया हुआ है कि मैंने, मेरा ये गोल है, मैं ये करूँगा। और मैं निश्चित मानता हूँ कि जो आदमी अपने गोल को पहले निर्धारित करेगा, सिस्टमेटिकली उसके लिए काम करेगा, तो ऐसा कोई गोल नहीं है जो वो अचीव ना कर सके, ऐसा कोई नहीं है जो गोल वो अचीव ना कर सके। मैंने अपने 4-5 साल में देखा कि ऐसे बहुत से बच्चे थे जो बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और तो ऐसा लग सकता है आप में से बहुतों को जब वो आए थे कि यार ये बच्चा, ये सर कैसे कैसे बच्चों को IAS की कोचिंग कराते हैं, ठीक है, किस किस को पढ़ाते रहते हैं, मतलब तो वो ऐसे बच्चे थे।
और मैंने साल भर में उनमें इतना गुणात्मक परिवर्तन देखा, इतना गुणात्मक परिवर्तन देखा कि जो चीज़ें अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े कॉलेज के और बड़े बड़े कोचिंग के स्टूडेंट जिन बातों का जवाब नहीं दे सकते, वो उन सब बातों को जवाब दे पाते हैं। तो अगर किसी का गोल है, किसी ने अपना गोल उद्देश्य निर्धारित किए हैं और वो उन गोल के लिए काम करता है, निरंतर काम करता है और तमाम बाधाओं से लड़कर काम करता है, वो जरूर उस गोल को अचीव करेगा। ये बात पक्की है, ये बात 100% है कि वो उस गोल को जरूर अचीव करता है। तो मैं आप लोगों को कुछ डांटना फटकारना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, एक दिन गलती है, कोई बात नहीं। बस मेरा कहना यही है कि अपना जो गोल है, जिस काम के लिए आप पहले दिन आए थे, उस काम को ध्यान रखो कि भाई मेरे को जो है पढ़ाई करनी है, निरंतर पढ़ाई करनी है, रोज पढ़ना है, रोज करना है, डेली कुछ कुछ करोगे, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा सा करोगे तो बहुत आगे तक चले जाओगे। एक और इसमें दुआ एक मुझे याद आ रहा है कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। मतलब कोई काम हम लगातार करते, मुझे पूरा भी करेक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, करत 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 अभ्यास बोल के जड़मत हो तो सुजान। थैंक यू, हाँ थैंक यू। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि करत करत अभ्यास, अभ्यास करते करते, लगातार अभ्यास करते रहते हैं, जब हम डेली अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो सिल पर भी निशान पड़ जाता है। सिल जो है जड़मत होत सुजान, जड़मत मतलब जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं, जड़ बुद्धि एक पुराना हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है कि जो बहुत स्लो माइंड का होता है, बहुत कम अकल का, कम अकल वाली बुद्धि का, जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि मतलब जड़ स्थूल बुद्धि, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, पत्थर की तरह है, जड़ है। तो जड़ बुद्धि जो जड़ मत हो तो सुजान, सुजान मतलब वो भी लर्नेड पर्सन बन जाता है करते करते अभ्यास के। जैसे रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अगर आप कुएं, आपने पता नहीं कितने लोगों ने कुएं देखे होंगे पुराने, तो कुएं जो होते हैं, तो कुओं में पत्थर जो उनके किनारे का पत्थर होता है वो बिल्कुल चिकना हो जाता है। पुराने कुओं के उनकी जो बाउंड्री होती है पत्थर के कुएं के किनारे की, वो बिल्कुल चिकना हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोज उस पर से वो पत्थर का बना होता है, हार्ड पत्थर लिया जाता है, क्योंकि नहीं तो वो बेकार हो जाएगा कुएं को। उस पत्थर पर भी इतने अच्छे निशान पड़ते हैं, वो इतना चिकना हो जाता है कि आदमी उस पर खड़ा हो जाए तो गिर जाए। तो ये प्रयास की, अभ्यास की प्रॉपर्टी है कि अगर आप लगातार अभ्यास करते रहोगे तो आप पत्थर को भी पिघला सकते हो, पत्थर को भी बदल सकते हो, लोहा तक पिघलता है। जो लोहे पर वो चक्री जो चलती थी, उस चक्री पर भी आप देखोगे वो चक्री कट जाती थी, वो जब रस्सी चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये अभ्यास का, ये मेहनत का नतीजा है। मेहनत करने से आप कुछ भी सफल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो, ये ध्यान रखो, ठीक है। अपना गोल याद रखो, सिस्टम से चलो, जरूर आप में से ऐसा कोई नहीं है जो इन चीजों को अचीव नहीं कर सकता। जो आज तक भी हमने अचीव नहीं किया, वो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कोई हाथ खड़े थे, कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो कहें, हम लोग सुना गिनाएंगे, ठीक है। चलो कोई, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बस ये कहूंगा, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। क्लास शुरू करते हैं। मुकेश, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाथ खड़ा हुआ है तुम्हारा, नहीं तो डाउन कर सकते हो। मुकेश कुमार, नहीं, ठीक। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है तो आप लोग बोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अच्छा चलो, हम लोगों ने कल अपने जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था, और ये जो साइड में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये साइड में इंफॉर्मेशन वो है जो लगभग हर हर इंफॉर्मेशन यूपीएससी में इसमें कभी ना कभी आ चुकी है।
तो हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल जो भारत में बन के आए वो थे वॉरेन हास्टिंग, उससे पहले क्लाइव थे जो कि गवर्नर थे। सर इनका पीरियड 1772 से सर 1785 था। 1772 से 1785 है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ क्या होता है थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो सकता है। ये फर्क इसलिए भी होता है इनमें से कई लोगों में, कई बार आपको गैप भी दिखेगा। उसका कारण ये है कि वहाँ से इंग्लैंड से यहाँ तक आते आते भी इन लोगों को समय लगा है, तो कहीं 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 हमें इस तरीके के गैप मिलते हैं। पर अभी हम उन गैप्स को इग्नोर करके अब अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात रखते हैं। तो हमने वॉरेन हास्टिंग को पढ़ा जो 1772 से 1785 तक रहे भारत के अंदर में। इनके समय में क्या महत्वपूर्ण काम हुए, रेगुलेटिंग एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, ध्यान रखिएगा यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या था, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, पिट्स इंडिया एक्ट भारत में लाया गया, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट नाम का पहला भारतीय अखबार पब्लिश करना शुरू किया, एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट रोहिल्ला वॉर, ये सब जो है शुरू हुए। चार्ल्स विल्किंस, ये भी बहुत बार सवाल आया हुआ है, चार्ल्स विल्किंस की ने जो है भागवत गीता का ट्रांसलेशन शुरू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस उसके बाद आए, जिनके समय में जो हमारी निचली अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनकी स्थापना हुई, एपलेट कोर्ट की स्थापना हुई, परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम बिहार और बंगाल में आया, जो बाद में बहुत सारे लोगों के लिए शोध का विषय भी बना है, रिसर्च का विषय है, वो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर आया। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, कॉर्नवालिस कोड जिसने भारत में कानून की, जो आज हम कानून की जो समझ है उसकी स्थापना की, सिविल सर्विसेज की स्थापना हमारे कॉर्नवालिस ने की, जो आज सिविल सर्विसेज जिसका एग्जाम देने के लिए हम जाएंगे, यूपीएससी जिसका इम्तिहान लेती है, वो सिविल सर्विसेज की सबसे पहली स्थापना कॉर्नवालिस के समय पर हुई। संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई वाराणसी में, जिसको जोनाथन डंकन ने बनाया, वो समय भी कॉर्नवालिस का समय था। ध्यान रखिएगा कॉर्नवालिस का समय था। लोग हम जब सवाल करते हैं, हम में से बहुत लोग बारीक चीज को नहीं पकड़ सकते हैं। कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर सवाल गलत है, उसने बेचारे ने सारा सवाल पढ़ा, ठीक पढ़ा, और वो एक जगह भूल गया। उसने मुझे उसका आंसर भी भेजा, उसने सवाल था 7th शेड्यूल में ये भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उसने मुझे वो भी भेजा, बाकी सारी भाषाओं के नाम भी लिखे हुए थे, ऊपर लिखा हुआ था 8th शेड्यूल, बस इतना सा अंतर था 8th शेड्यूल और 7th शेड्यूल। सर ये जो है ना ऊपर जो इसकी मतलब स्टेटमेंट 1 थी ना, वो भी तो सर रॉन्ग ही है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है सर? ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 23 हैं और स्केड्यूल लैंग्वेज जो 8 स्केड्यूल में 22 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है भारत में? सर दो है सर, यस नहीं नहीं सर दो है ऑफिशियल, इंग्लिश हिंदी, रीजनल है 22। राजकीय भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज, आप पढ़िएगा व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज और मुझे फिर कल बताइएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। मैंने विकिपीडिया में सर्च किया था, वो मैंने आपको भेजा है सर, एक बार आप उसे देखिएगा सर। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा। ऑफिशियल लैंग्वेज दो ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में मेरी जो समझ है हिंदी और इंग्लिश ही दो भाषाएं हैं जो दो भाषाएं हैं। दोबारा देखता हूँ, हाँ एक बार देख लेंगे, हो सकता है। और अच्छी बात है कि तुम सवाल उठा रहे हो, बहुत अच्छा है। ये जो सवाल का डिस्कशन है, ये डिस्कशन हमारे भीतर भी होना चाहिए, ये डिस्कशन टीचर के साथ भी होना चाहिए, ये डिस्कशन फ्रेंड्स में भी होना चाहिए। ये डिस्कशन ही हमारी अंडरस्टैंडिंग को फर्म बनाता है, नहीं तो क्या होगा, तुमने मुझे बोल दिया, मैं भी डर गया यार कि 22 हो सकता है, 22 हो, मैं तो भूल गया, मैंने तो कब पढ़ा था। ठीक है, आपने भी सोर्स पढ़ा, तो हमें डिस्कस करना चाहिए। डिस्कस करने से हम जीरो इन कर पाते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। भाई दो आदमी दो अलग अलग बात बोल रहे हैं, आपने कुछ बात बोली, मैंने भी कुछ और बात बोली,
दोनों बातें एक साथ सही हो नहीं सकती हैं। ये हमारा एक बेसिक का नियम है कि भाई जो फैक्ट है वो एक ही हो सकता है, या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। तो हम दोनों इस चीज़ को चेक कर लेंगे, हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए, आप भी चेक कर लीजिएगा कि व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, उसके द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज निर्धारित होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज दो ये दे रहा है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, और इसमें गलत सही होने की किसी को जरूरत नहीं है, कोई जजमेंटल नहीं होगा, ना किसी के भी बारे में हमें ओपिनियन नहीं रखना है, नहीं उसे गलत है। ये देखिए ज्ञान फैक्ट्स की जानकारी हमेशा फ्लूइड है, बह रही है, फैक्ट्स की जानकारी किसी की भी पूरी नहीं हो सकती। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी दुनिया के सभी फैक्ट्स को जानता हूँ, सभी चीज़ों को जानता हूँ, बड़े अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा, मैं आपसे थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा जानता हूँ ये दावा कर तो सकता हूँ, पर ये कहूँ कि मैं दुनिया के सारे फैक्ट को सही सही जानता हूँ वो दावा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जजमेंटल ना हो कि हम लर्न करने के लिए इस डिस्कशन को रखें। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जॉन शोर है, ये सनसेट लॉ पढ़ लेना, ये क्या था सनसेट लॉ, जॉन शोर आए जिन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन शुरू की, चार्टर एक्ट आया, रोहिल्ला वॉर हुआ दोबारा से, बैटल ऑफ खरदाऊ, उसके बाद लॉर्ड वेलेसली आए जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस भारत में शुरू की, एंग्लो मैसूर वॉर चौथा और अंतिम एंग्लो मैसूर वॉर इनके समय पर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर ये भी महत्वपूर्ण वॉर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब यहाँ पर ये देखो, अब जैसे ये क्या होता है ना, अभी मैंने ऊपर भी कहीं पढ़ा, हमने कहीं ऊपर भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, इससे ऊपर भी अभी पढ़ा था ना फोर्ट विलियम कहीं। जब भी हम ऐसी चीजें देखें तो सोचें कि भाई यहाँ क्या गलती है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, या कई बार क्या होता है एक एक शब्द का यहाँ पर, हमने वॉरन हास्टिंग के समय भी पढ़ा और फिर ये भी पढ़ा कि फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट में जो स्थापित किया गया फोर्ट विलियम में किया गया, बाद में हम ये पढ़ रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई लॉर्ड विलियम के, लॉर्ड वेलेसली के समय पर। तो यहाँ पर हमें जो ये बारीक अंतर है वो याद रखने की वो कोशिश रहनी चाहिए कि अभी जो स्थापना हुई है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो रही है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी स्थापना हुई, फिर राजभवन एट कलकत्ता की स्थापना हुई, जॉर्ज बार्लो, बार्लो जो है सबसे ज्यादा इस चीज के लिए याद किए जाते हैं, वेल्लूर म्यूटिनी के लिए, वेल्लूर म्यूटिनी जो हुई थी वो हमारे जॉर्ज बार्लो के समय पर हुई थी। जिन म्यूटिनीज में सबसे ज्यादा सवाल आता है वो कि वेल्लूर म्यूटिनी, वो है एक वाइट म्यूटनी है, अब आप देख के बताइएगा ये वाइट म्यूटनी क्या है, ठीक है, देखकर मुझे बताना कि वाइट म्यूटनी क्या थी और कब हुई थी। ये इस पर भी सवाल आया हुआ है कि वाइट म्यूटनी क्या है। तो जॉर्ज बार्लो के समय में कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना भी हुई, जैसा हमने चर्चा की थी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, बॉम्बे बोलते थे उस समय, तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई जो बाद में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। लॉर्ड मिंटो की हमने बात की थी, व्हाइट म्यूटिनी बताया सर, नहीं अभी नहीं, आपको याद तो सभी को पढ़ना है, यहाँ नहीं बताना है, आपको पढ़ना है। अच्छा, लॉर्ड एमहर्स्ट, इनके बारे में हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ यार्डबरो, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, हम पढ़ रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब जो इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता या गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होते थे, जो कलकत्ता का गवर्नर होता था उस कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला जाता था, यानी कि कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका फैसला मान्य होगा। पहली बार विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने।
बंगाल सती रेगुलेशन 1829 में पास किया, महालवाड़ी सिस्टम सेंट्रल इंडिया में के पंजाब में वेस्टर्न यूपी में स्थापित किया, सेंट हेलना एक्ट, ये भी याद रखिएगा सेंट हेलना एक्ट क्या था, तो ये सेंट हेलना एक्ट जो है इस समय पर आया जिसके द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए काम करने की अनुमति दी गई। कोल रिबेलियन, ठीक है, कोल रिबेलियन, कोल विद्रोह शुरू हुआ 1931 में, इंग्लिश एजुकेशन हुई और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना की गई। उसके बाद समय आया चार्ल्स मेटकाफ का, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ कुछ अच्छे कारणों के लिए हमारे बीच हम याद करते हैं, उनमें एक कारण है ही सेड टू बी द लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस, ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस चार्ल्स मेटकाफ, जिन्होंने इसको प्रेस को आजादी दिलवाई। जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था 1823 का उसको खत्म करा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में करवाई जो बाद में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी। लॉर्ड ऑकलैंड अगले गवर्नर जनरल है, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक, 1838 में इन तीन पक्षों के बीच में ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय संधि में एक ब्रिटिश पक्ष था, एक शाह सूजा जो कि अफगान का अफगानिस्तान को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था, और रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह, इन तीन लोगों में ये संधि हुई, ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, शाह सूजा ब्रिटिश और रंजीत सिंह। ये हमारे अंग्रेजों की जो अफगान पॉलिसी थी और अफगान बाद में इसमें अफगान वॉर भी हुआ, तो भारत की जो ब्रिटिश इंडिया की जो अफगान पॉलिसी थी उसके भी अंतर्गत इस एग्रीमेंट को किया गया था। पहला एंग्लो अफगान वॉर 1840 से 1842 में शुरू हुआ और इसमें ब्रिटिश आर्मी को बुरी तरीके से जो है नुकसान झेलना पड़ा और वहां से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना भी लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1840 में हुई, ये भी वही इंपीरियल बैंक बना। पहला बंगाली डेली न्यूज़पेपर संबाद प्रभाकर, ठीक है, अखबारों के नाम हमने कई उसमें लिखे हुए हैं, नोट्स में आपको मिलेंगे कौन सा अखबार कब आया, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा। संबाद प्रभाकर नाम का अखबार 1839 में 1839 में बंगाली न्यूज़पेपर है, ये पहला बंगाली क्षेत्रीय न्यूज़पेपर 1839 में संबाद प्रभाकर शुरू हुआ। जो अंग्रेजों की अफगान नीति थी, या जब हम ऑकलैंड पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा कर लेंगे कि अफगान पॉलिसी क्या थी। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, इसके बाद आए लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का समय काल है 1842 से लेकर 1844 तक, जिसके समय में जिनके समय पर ग्वालियर युद्ध, ग्वालियर वॉर हुआ। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई 1843 में, तो तीनों बैंक जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, बैंक ऑफ कलकत्ता बना, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, ये तीनों जो है बैंक स्थापित हुए। बाद में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुए और बाद में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुए जब देश आज़ाद हुआ 1756 में। देश आज़ाद 1756 में 1956 में
1956 में स्टेट बैंक की स्थापना की गई। 56 में की गई थी, 55 में की गई थी, 56 में थी ना सर? 1955 करेक्ट करते राघरो यार मुझे। अच्छा हेनरी हार्डिंग, अगले जो गवर्नर जनरल आए उनका नाम है हेनरी हार्डिंग। 1844 से लेकर 1848 के बीच में हमारे हेनरी हार्डिंग रहे और इस दौरान में पहला एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ, एंग्लो सिख वॉर। तो मैंने अपने डिस्कशन में आप लोगों से चर्चा की थी कि पंजाब एक ऐसा क्षेत्र रहा जो काफ़ी लंबे समय तक रिलेटिवली और रियासतों के मुकाबले काफ़ी हद तक आज़ाद रहा। तो एंग्लो सिख वॉर और अंग्रेजों के लिए एक चैलेंज भी रहा। तो पहला एंग्लो सिख वॉर 1845-46 में शुरू हुआ। ब्रिटिश लोगों ने सिख एम्पायर को हराया और उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने भीतर अनेक्स कर लिया। अनेक्सेशन का मतलब होता है विलय कर लेना, अपने क्षेत्र में विलय कर लिया, उसमें मिला लिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई जिसके द्वारा कश्मीर को कन्फिस्केट सिख लोगों से कर लिया गया, सिख शासन से कर लिया गया कश्मीर को, और इसको राजा और जम्मू को 75 लाख रुपए में कश्मीर को बेच दिया गया। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की, भारत में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जो आज IIT बन चुका है, उसकी स्थापना 1947 में की थी, 1847 में। फिर अगले गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिनके नाम पर एक हिल स्टेशन भी है, डलहौजी हिल स्टेशन। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत के भीतर रहे, भारत के अंदर में शासन में रहे। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके समय में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी थी, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी की, जो कि लॉर्ड वेलेसली के समय पर आई थी, उस पॉलिसी को बदल दिया गया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हड़पनीति सर, सर हायरार्की, वो अगर वहां पे कोई नहीं उसका वो हायरार्की रहेगा तो फिर वो उस स्टेट को अपने में मिला लेता था। विलय की नीति, विलय की नीति, क्या नीति, विलय की नीति, हड़प नीति, विलय की नीति नहीं है, उसको कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं लैब्स के लिए। हड़प नीति सर, हड़प नीति, हड़प नीति, हड़प नीति, हाँ वेरी गुड, हड़प नीति, हिंदी में इसको बोलते हैं हड़प नीति, लैब्स, मतलब हम उसके क्षेत्र को हड़प लें, लैब्स आपका जो शासन है खत्म हो गया, लैब्स हो गया। तो ये हड़प नीति इन्होंने अपनानी शुरू की, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसा इनके नाम से क्लियर है। सब्सिडरी अलायंस में मोटे तौर पर ये था कि जो भी राजा रियासत हार जाता था वो रियासत का शासन उस ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो जाता था, जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर में शामिल हो जाता था ब्रिटिश एम्पायर में, वो एग्जिस्ट तो करता था परंतु वो जो है अंग्रेजी सरकार का अधीन हो जाता था सारी चीज़ों के लिए, उसे ब्रिटिश एम्पायर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, तो वो सब्सिडरी बन जाता था। सब्सिडरी का मतलब उसका सबसर्वियंट, उसका अधीन बन जाता था, अधीन हो जाता था उसका शासन, सब्सिडरी अलाइंस। वो नीति थी हमारे लॉर्ड वेलेसली की जो चलती रही। बाद में जब लॉर्ड डलहौजी आए तो इन्होंने इस नीति को कि हमें सब्सिडरी भी नहीं बना के रखना, हमें अधीनता की भी जरूरत नहीं है, आपकी ही जरूरत नहीं है, ना हमें कोई सबॉर्डिनेट की जरूरत है, आप जाओ हम अपना खुद ही शासन करेंगे, आपका शासन खत्म, आपका शासन खत्म, लैप्स हो गया, हड़प कर लिया, हड़प लिया गया। तो ये नीति हमारे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है 1848 में शुरू की। इसके अलावा उन्होंने जो शुरू किया
वो बैथून कॉलेज स्कूल, कॉलेजिएट स्कूल जिसको कलकत्ता फीमेल स्कूल भी बोला जाता है, बैथून स्कूल बोला जाता है, 1849 में शुरू किया और हुआ इनके समय में, जो इलियट बैथ्यून, जॉन इलियट बैथ्यून के द्वारा शुरू किया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच इनके समय में 1854 में आया, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला गया चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जो कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए लाया गया, चार्ल्स वुड डिस्पैच। अगला है सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर, जो एंग्लो बर्मीज वॉर पहले हुआ था, ये दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर डलहौजी के समय पर शुरू हुआ और इसका उद्देश्य था बर्मा की टेरिटरीज को अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश इंडिया में मिला लेना। तो इस उद्देश्य से बर्मा के ऊपर ये युद्ध थोप दिया गया, ये युद्ध उसके साथ किया गया। पहली पैसेंजर ट्रेन, पहली रेलगाड़ी भारत के अंदर में इनके समय पर चली, जो ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच में 1853 में चली थी, हम फिर पढ़ते हैं 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच में जो ट्रेन चली वो इनके समय पर चली। टेलीग्राफ लाइन, जिसने इनकी कुछ चीज़ों ने, रेलगाड़ी ने, टेलीग्राफ लाइन ने उनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाया, भारत के लिए बहुत बड़ा अंतर आया इनसे। तो पहली टेलीग्राफ लाइन की स्थापना भी इनके समय में स्थापित हुई, जो कि डायमंड हार्बर से लेकर कलकत्ता के बीच में टेलीग्राफ लाइन की स्थापना की गई। पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट स्थापित हुआ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, जितने भी सरकारी कंस्ट्रक्शन होती हैं, पब्लिक वर्क्स होती हैं, सड़क बननी है, कुछ सरकारी बिल्डिंग बननी है, हॉस्पिटल स्कूल की बिल्डिंग बननी है, कुछ भी बनना है, तो ये सब काम कौन विभाग करता है, वो विभाग का नाम है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो ये जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना है, ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय पर सन 1954 में हुई, 1854 में हुई है। दूसरा एंग्लो सिख वॉर, जो दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ वो इनके समय में हुआ 1848 और 1849 के बीच में, जिस समय पर 1849 में पूरी तरीके से अंग्रेजों ने जो पंजाब था, जो सिख एम्पायर था, जो सिख राज्य था, शासन था, उसको पूरी तरीके से भारत के, ब्रिटिश इंडिया में उसका विलय कर दिया। इनके समय पर ये एक रिबेलियन हुआ जो बहुत पॉपुलर भी हुआ, संथाल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, संथाल, संथाल पर, संथाल रिबेलियन, संथाल विद्रोह, जिसमें संथाली लोगों ने अंग्रेजों को बहुत लोहा चबाया, तो इसमें अंग्रेजों को भारी मुसीबत पड़ी संथाल रिबेलियन में, काफ़ी इनके बारे में कहानियाँ भी लिखी। तो जो बेशक ये अनऑर्गेनाइज था, बेशक वो बहुत पुअर हथियारों से लड़े, पर वो बहुत बहादुरी से लड़े, ये सभी संथाल लोग जो थे बहुत बहादुरी से इन्होंने इस युद्ध को लड़ा। हम अलग से पढ़ेंगे कि जो ये नीति है रिंग फेंस की, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो रिंग फेंस की पूछना है, तो जो शुरू में शासन था, मान लीजिए यहाँ हमारा शासन है, तो हम क्या चाहते हैं रिंग फेंस की नीति में। अगर मान लीजिए आप इस राज्य के राजा हैं, यू आर किंग ऑफ दिस किंगडम, तो आप क्या चाहोगे, और बाहर आपके दुश्मन देश हैं, तो आप क्या करना चाहोगे कि भाई आप पर, मुझ पर कोई अटैक ना करे। तो आई
आई शुड बी सराउंडेड बाय अदर मेंबर या फ्रेंड कंट्रीज। अब अगर आपके शासन पे मान लो ये शासन ये राजा हमला करना चाहता है, ठीक है, ये कोई और राजा है, तो ये राजा आपके इस पर शासन करना चाहता है तो पहले इसे इस पर हमला करना पड़ेगा, इस जगह शासन करना पड़ेगा, उसके बाद जब ये जीतेगा तब आपके शासन पर डायरेक्टली अटैक कर सकेगा, तो आपको एक बफर मिल जाता है। तो ये रिंग फेंस की नीति हम अपने आसपास अपने जो सहयोगी देश है उनको मतलब जो ये शुरुआत की नीति है अंग्रेजों की, जब इनके छोटे छोटे क्लस्टर्स थे, जब कलकत्ता था और मद्रास, तो अपने आसपास ऐसे देश रहे कि यदि कोई हमला करे भी तो हमारे पास अपने राज्य को बचाने के लिए सफिशियंट साधन हो। ये रिंग फेंस की नीति कहलाई। इसके बाद अगले जो गवर्नर जनरल आए भारत में वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेके 1858 तक जो है भारत में गवर्नर जनरल रहे। बाद में वो गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय बन गए। 1862 तक रहे वैसे, पहले फेज में वो गवर्नर जनरल रहे पहले 2 साल, उसके बाद में वो गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय दोनों बन गए लॉर्ड कैनिंग। इंडिया समय में कानून पास हुआ जिसका नाम था हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट, विधवा विवाह के लिए कानून। भारत में इस समय पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी थी, बहुत बहुत ज्यादा बुरी थी। सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा जिसमें लड़कियों को और यंग गर्ल्स को जो है जिंदा जला दिया जाता था, दे वर फोर्स टू जो है बर्न विद देयर हस्बैंड्स फायर, जो भी उनकी चिता होती थी उसको जबरदस्ती उसे नशा करा के बांध के मार के पीट के बांध दिया जाता था और उसे जला दिया जाता था जिंदा। क्रूरतम तरीके का व्यवहार था। और ध्यान ये भी रखना है कि ये समय में लड़कियों की शादियां बहुत कम उम्र में हो जाती थी, बाल विवाह नॉर्म था, बहुत ही सामान्य सी बात थी बाल विवाह होना। बाल विवाह का मतलब दूसरी समस्या विधवा की थी और सती, ये बहुत बड़ा एजुकेशन थी नहीं वेमेन के लिए, उनको पढ़ाई का वो नहीं था, पर्दा और तमाम तरीके की बुराइयां थी जो समाज के भीतर व्याप्त थी। तो जो बाल विवाह का कॉन्सेप्ट था, बाल विवाह में लड़कियों को 8 साल 6 साल कभी कभी उससे भी कम उम्र में उनका ब्याह कर दिया जाता था, उनकी शादी कर दी जाती थी, इतनी कम उम्र में शादी। और साथ साथ इस समय पर, ये जो समय था 1800 इस समय की बात कर रहे हैं हम, इस समय पर जो है जो चिकित्सा सुविधाएं थी वो कैसी थी, वो बहुत डेवलप नहीं थी। जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी होती थी, बच्चों की मृत्यु दर, वो बहुत ज्यादा होती थी। ज्यादातर बच्चे 1 से 18 साल का होते होते काफी बच्चे उसमें मर जाते थे। जैसे अगर आप अपने दादा दादी या उनके पीछे आप पूछेंगे उनसे, तो उस समय पर 7-8 बच्चे होना सामान्य सी बात थी। पर ये 7-8 बच्चों में से 7-8 बच्चे पैदा होते थे, 7-8 बच्चों में से 2-3 बच्चे ही सरवाइव कर पाते थे। काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी, बड़ी सारी बीमारियां होती थी, चेचक प्लेग, इन सब बीमारियों में बच्चे बहुत से मारे जाते। अब ये जो बच्चे मारे जाते थे इनका खामियाजा भी इन लड़कियों को झेलना पड़ता था, क्योंकि इनकी उम्र में बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी, जिस लड़के से जिस बच्चे जिसने भी शादी की उसकी डेथ हो गई, ये बच्ची 6 साल में 8 साल में 10 साल में 12 साल में ही विधवा हो गई। और ऐसी विधवाओं की संख्या अनगिनत टाइप की थी ऐसे, और उन विधवाओं का फिर शोषण था, बहुत सिस्टमेटिक शोषण था। तो ऐसा एक सिस्टम, उनको सती के लिए जबरदस्ती की जाती थी कि वो सती बन जाए, सती नहीं बन पाई तो उनको विधवा का जीवन दिया जाता था, जो और ज़्यादा खराब था, सती होने से भी ज़्यादा खराब था कि पूरे जीवन भर उनका हर तरीके का शोषण होता था उस समय पर। तो ऐसे समय में बहुत से भारत के ऐसे जागरूक लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों से, क्योंकि उस समय नया शासन आया था,
नई तरीके की व्यवस्था की, राजा राम मोहन राय और भी लोग हैं जिन्होंने सती प्रथा विधवा विवाह के लिए काम किया, उन्होंने ये इंसिस्ट किया, अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की एंड दे एग्रीड और ये कानून पास हुआ। पर ये कानून अंग्रेजों के लिए भी मुश्किल बना, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए, पुनर्विवाह होना चाहिए। ये जो पुनर्विवाह के लिए भी लोकल बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ और कहीं ना कहीं बाद में 1857 के विद्रोह में भी ये एक कारण बना। और 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे जिस समय भारत में जो सैन्य विद्रोह हुआ जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, वो 1857 में शुरू हुआ। इसके अलावा इनके समय काल में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्थापना 1857 वर्ष में की गई। इन तीनों जगह पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और ये जब रेवेलियन हुआ जिसमें अंग्रेजों को सबसे भीषण टक्कर मिली, भारतीयों के द्वारा सबसे, जो भी हम कह सकते हैं, सबसे ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट जिसमें भारत लगभग पूरे भारत में ये विद्रोह फैला। अंग्रेजों को एक्चुअली में कई बार विद्रोह का सामना, तो बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा, पर वो सारे विद्रोह बिखरे हुए होते थे, कभी कहीं पर विद्रोह होता था, कभी कहीं विद्रोह होता था। पर ये 1857 का ऐसा विद्रोह है जो लगभग सभी स्थानों पर एक साथ शुरू हुआ और इसका बड़ा बहुत भारी परिणाम हुआ। अंग्रेजों ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि अगर भारत में शासन करना है तो हमें कई चीज़ें बदलनी पड़ेगी। तो इस कई चीज़ों को बदलने के लिए आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। इस एक्ट के द्वारा कई बड़े बदलाव किए गए, इस विद्रोह के बाद। पहला बदलाव यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो खत्म कर दिया। अब 1858 में भारत डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अब हम जो है अंग्रेज सरकार के, अंग्रेज राज्य के हिस्सा बन गए। उससे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, बाद में हम 1858 के बाद से ब्रिटिश एम्पायर के अधीन हो गए। बजट की स्थापना की गई, इंपीरियल सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी उनकी स्थापना की गई। अब आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना चाहिए कि सर ने तो अभी बोला था कि सिविल सर्विसेज की स्थापना 1800 में हुई थी, वेलेसली कब हुई थी सिविल सर्विसेज की स्थापना, कॉर्नवालिस के समय पर। तो अभी यहाँ पर ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज क्या आ गया। यूपीएससी में ऐसे सवाल, जहाँ भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए उसे हम ढूंढना, उसे खोदना और उसके अंतर को निकालना, यही सबसे बड़ा काम है अगर आपको पास होना है। जो आदमी बारीक अंतर को समझता है, जो छोटी छोटी चीज को कि यहाँ पर अगर एक शब्द ऐड हो गया तो इससे कितना अंतर आ गया, तो उसके लिए जिसके अंदर जिस वो इच्छा है वही इसको कर पाएगा। तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज आपको ढूंढनी है कि भाई ये हमारे लॉर्ड कैनिंग ने कौन सी सर्विस बनाई जिसे हम कॉर्नवालिस से क्या कैसे भिन्न थी, क्यों हम वो क्रेडिट उसको दे रहे हैं। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, नील विद्रोह शुरू हुए, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय पर थे। इंडियन पीनल कोड जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, आईपीसी नाम की किताब, वो आईपीसी सीआरपीसी इनके समय पर, लॉर्ड कैनिंग के समय पर, आज भी किताब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पुलिसिंग के लिए, इंडियन पीनल कोड, जिसके आधार पर कोर्ट, जुडिशरी और पुलिस काम करती है। एएसआई की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई, जिससे हम अपने जो आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे हिस्टोरिकल पुरातत्व विभाग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरातत्व विभाग, जो पुराने हिस्टोरिकल एविडेंसेस को इकट्ठा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको इकट्ठा करता है, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, ये बाकी गवर्नर जनरल हम बाद में पढ़ लेंगे, आप कम से कम या तो मुझे याद दिला देना, अपने लेवल पे आप पढ़ सको तो इसे पढ़ लो,
मैं चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ें, क्योंकि इसको इनको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते जाएंगे तब ये ज़्यादा रिलेवेंट होगा। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, आगे का इतिहास समझने में ये बहुत लाभदायक है, बहुत ज़्यादा काम का है कि किस किस तरीके का घटनाक्रम हुआ, और कई डायरेक्ट सवाल यहाँ से हमें मिल जाएंगे। केवल इसी से ही अगर हिस्ट्री के हम दो तीन सवालों का जवाब इस पेज से ढूंढ सकते हैं, जो मॉडर्न इंडिया से आने वाले सवाल होंगे उनमें कम से कम दो या तीन सवाल का जवाब मुझे इस पेज को पढ़ने से मिल जाएगा। तो अगर मैं दो सवाल आज याद कर लूँ तो मतलब समझिए कितना बड़ा काम मैंने आज कर डाला, अगर मैंने याद कर लिया। मैं आप सभी को बार बार दोहरा रहा हूँ कि यदि आपको आईएएस बनना है, आपको बीसीएस बनना है, तो आपको अपना संकल्प याद रखना है, ये याद रखना है, स्ट्रेटजी भी याद रखनी है, संकल्प के साथ साथ स्ट्रेटजी याद रखनी है। जब भी सोचो रोज स्ट्रेटजी सोचो कि मेरी रणनीति क्या है, हमारी रणनीति क्या है। जून को कितने जून की डेट आ गई है प्री एग्जाम की? 2021 का सर 10 अक्टूबर को है। नहीं नहीं मैं 2022 की प्री की बात कर रहा हूँ, वो तो आप 10 जून सर, सर सितंबर में, सर सितंबर में नहीं यार, जून की डेट आई हुई है, जून 2022 में सर, लगभग 5 जून है सर, 5 जून सर, सॉरी 5 जून है सर, ठीक है 9 अक्टूबर में से सर। 2022 को आपके सामने कुछ 100 सवाल दिए जाएंगे, है ना, इस तारीख को आज से लगभग 8-8.5 महीने के बाद आपके सामने एक दिन 2 घंटे में हल करने के लिए 150 सवाल दिए जाएंगे। इन 100 सवालों के लिए ही तो तैयारी कर रहे हो आप, हाँ या नहीं? यस सर, ठीक है, इन 100 सवालों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये 100 सवाल मुझे करने हैं, और ये 100 सवाल में अगर मैं कर लूंगा तो क्या होगा, अगर मैंने प्री एग्जाम पास कर लिया देन इट विल बी अ, क्या मैंने शब्द यूज किया था, गेट पास, गेट टिकट, एंट्री हो गई अब आपकी सिविल सर्विसेज में, यू हैव एंटर्ड इनटू सिविल सर्विसेज, एग्रीड नॉट एग्रीड, अगर ये 100 सवाल आपने कर लिए, ठीक है, तो आपकी सिविल सर्विसेज की मैं एंट्री हो जाएगी। मैं आपको ये बात रीजनेबल दावे से कह सकता हूँ कि जो बच्चा इस प्री एग्जाम को 5 जून के इन 100 सवालों को हल कर लेगा, अभी ये जो 2021 का इम्तिहान है, जो बच्चा इसके अक्टूबर के जो होने वाले एग्जाम के प्री एग्जाम को पास कर जाएगा, वो आप देख लीजिएगा अगले 3-4 साल में यूपीएससी क्लियर करेगा, नहीं तो कहीं स्टेट पीसीएस क्लियर करेगा, क्लियर कुछ ना कुछ वो अच्छा कर जाएगा कि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर कर लेगा, वो पीछे नहीं बैठा रहेगा, प्रोवाइडेड वो मेंस के लिए मेहनत करे। हाँ ये ध्यान रखिएगा, कोई ये सोचे कि मेरा तुक्का लग जाए प्री में और मैं फिर कहूँ कि मैं अब तो आईएएस बन जाऊँगा, वो नहीं बनेगा। पर ये है कि अगर आपने ये 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर ली तो आपका जो एंट्री है सिविल सर्विसेज में हो गई आपके लिए। ये जून 2000 उस दिन नहीं होगी, ये याद रखना, उस दिन नहीं होगी, पर हाँ अब आप जो उसका किला है, किले का सबसे बड़ा मुश्किल द्वार है वो आपने भेद लिया है, क्योंकि तो सिविल सर्विसेज का जो किला है वो बहुत मजबूत है, उसमें आप घुस नहीं सकते, और उसमें घुसने का केवल यही एक रास्ता है 5 जून को जो आपको मिलेगा, इन बच्चों को 10 अक्टूबर को मिलेगा, तो वही आपके सिविल सर्विस सर्वेंट बनने का रास्ता है। और ये जो 100 सवाल हैं, ये 100 सवालों में से भी 100 के 100 नहीं करने हैं, 100 में से अगर 60 सही कर लिए, 55 भी सही कर लिए तो भी मुझे एंट्री मिल जाएगी, और मैं कह रहा हूँ 55 में से 2 सवाल आपको अभी के अभी मैं दे रहा हूँ इस पेज पे। इस पेज को पढ़ने में कितना समय लगना चाहिए, शायद मेरे ख्याल से एक दिन बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5-7 घंटे के, 4-5 घंटे में सब याद हो जाएगा। मैं आपको 2 सवाल यानी कि
कितना, दो सवाल 55 में से दो सवाल आपको अगर 5 घंटे में दे रहा हूँ तो अभी तो आपके पास 8.5 महीने बाकी हैं, आपको ये केवल 55 सवाल सही करने हैं, 60 सवाल सही करने हैं, एंड अगर आपने ये 60 या 55 सवाल सही कर दिए 100 में से, देन यू आर इन टू दी लीग। तो यूपीएससी कोई इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, इसे अगर आप टुकड़े टुकड़ों में बांट के देखोगे तो ये इतना मुश्किल नहीं दिखाई देगा। अगर आप सारा ये सोचोगे, आज ये सोचोगे कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लूं, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, आधे बच्चे चिंतित है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, 99% ऑप्शनल के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए अब ऑप्शनल तो इम्पोर्टेंट रह ही नहीं गया, आधे 24 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट। अरे भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप में से अगर आप 100 हो, बहुत अच्छी सिचुएशन में ये कहूँगा 5 बच्चों को ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर देने का मौका मिलेगा, मैं चाहूँगा कि सबको मिल जाए, मैं चाहूँगा कि सबको मिले, पर जो यूपीएससी का पास रेट है वो ऐसा ही है। तो ऐसे में आप सबसे पहले भाई ये तैयारी करो ना कि इसको क्रैक कर लो, जब इसको क्रैक करोगे तब फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले सुलझाओ, दूसरे प्रॉब्लम को उसके बाद सुलझाओ, बाद वाली प्रॉब्लम को अगर पहले सुलझाओगे तो उसमें लगाया गया एफर्ट कोई खास रिजल्ट नहीं देगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो घबराना कैसा है, उसे कर ही लेंगे बाद में, पहले प्री नाम का हर्डल तो पार कर जाए। पढ़िए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, पढ़िए आप मेंस के लिए, परंतु सबसे पहले ये करिए कि मेरा प्री क्रैक करना है, मैंने किसी ना किसी तरीके से प्री को मैंने क्रैक करना है, तो ये आपको पढ़ना है, आप इसे याद कर लेंगे। सर पॉलिटी का टेस्ट दिए थे वो सर रिजल्ट नहीं है क्या? डियर सर जो पॉलिटी का जो टेस्ट दिए था, हाँ पॉलिटी का मैंने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट दिया है, अब मैं कोई टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, जो चाहे सा अभी जो पेपर देने वाले भी बच्चे हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके इसमें अपलोड किए हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट में, और मैं चाहूँगा कि आप उसको अटेम्प्ट करें डेली, अगर 10-15 क्वेश्चन भी आप अपनी स्क्रीन से हटाएंगे तो अगले 10 दिन में आपके सारे क्वेश्चन वो ख़त्म हो जाएंगे, सबके 100-100 क्वेश्चन। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, अपने लेवल को समझो कि यार मेरी कमी क्या है, और अगर कुछ कमी को दूर कर सकते हो इन 10-15 दिनों में तो उसको दूर कर लो, और जो अगले साल देने वाले बच्चे हैं उनके पास अभी टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। आप लोग भी ट्राई करो, यहाँ पर उपलब्ध हैं जो स्टूडेंट लॉगिन है, प्रैक्टिस असाइनमेंट है, उसमें वो टेस्ट उपलब्ध है, ठीक है, तो आप उनको करिए। पॉलिटी का रिजल्ट नहीं आया सर, पॉलिटी का रिजल्ट नहीं आया, पॉलिटी का टेस्ट हमने इकोनॉमी का टेस्ट दिया था शायद, पॉलिटी का भी दोनों का हो गया, ठीक है, मैं रिजल्ट उसका आपको बनवा के भिजवा दूंगा। मुझे लगा कि मैंने वो प्रैक्टिस असाइनमेंट में डाल दिया है जिसमें आंसर आपको हाथ के हाथ पता चल जाएंगे, इसलिए मैंने वो रिजल्ट नहीं आपको भेजा, क्योंकि वो मेरी तरफ से आपको अपलोड कर दिया गया है, तो इसलिए भी वो मैंने आपको नहीं भेजा है, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे बनवा लूँगा, बना लूँगा, ठीक है। 19 को झारखंड का एग्जाम है, तो सर मुझे लगा कि अगर रिजल्ट आ जाता तो कॉन्फिडेंस मिलता। 19 को झारखंड पीसीएस का एग्जाम, जेपीएससी का एग्जाम है सर, जा रहे हो ना सारे आप लोग जिसने भरा है? यस सर, सारे लोग जितने भी पीसीएस एग्जाम है, चाहे जेपीएससी हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी हो, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको देना है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा हुआ था, पता नहीं आप में से किसी ने भरा भी था या नहीं, पर उत्तराखंड है, कितने सारे हैं, तो इन सबको आप सारे के सारे भरिए। राजस्थान होगा, बिहार होगा, असम होगा, जहाँ तक भर सकें भरिए। देखिए आपकी इस समय की बुनियादी रिक्वायरमेंट एक नौकरी है, और जो है जो एसडीएम की नौकरी अच्छी खासी बड़ी नौकरी होती है, कोई मामूली नौकरी नहीं होती, एसडीएम होना बहुत बड़ी बात होती है।
जब आप एसडीएम, अगर आप में से जो भी एसडीएम बनेगा या एसडीएम बन के आप जाके मिल के आओ, एसडीएम क्या क्या होता है तो आपको खुद पता चलेगा कि एसडीएम कितना महत्वपूर्ण पद है हमारे हायरार्कियल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो कि आगे चल के प्रमोट होकर एडीएम बन जाता है थोड़े समय बाद, फिर डीएम बन जाता है। तो आप क्या बनना चाहते हो? यही तो बनना चाहते थे ना, डीएम। तो यहाँ दोनों रास्ते थे, एक रास्ता थोड़ा स्लो रास्ता है, आईएएस का रास्ता थोड़ा फास्ट रास्ता है, पीसीएस का रास्ता थोड़ा स्लो रास्ता है, परंतु पीसीएस का रास्ता भी हमें यहीं डीएम के पद की ओर ले जाता है। तो हमें इसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है? आप सोचिए, करिए, इसके लिए सफल होइए, सफल बनिए। चल आगे बढ़ते हैं हम। गवर्नर जनरल हमने नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आए और 1785 तक भारत के अंदर में रहे, और ये शुरुआत का समय था, ये याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआती जीत कलकत्ता में हासिल कर ली थी, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर जो बंगाल, इसका शासन अंग्रेजों के हाथ में था। पर अभी कौन सा सिस्टम चल रहा था वॉरेन हास्टिंग से पहले? डुअल गवर्नमेंट, डुअल रूल, दोहरा शासन, ठीक है? दोहरा शासन यहाँ पर मौजूद था। वॉरेन हास्टिंग जब आए तो उनको ये दोहरा शासन, साउथ इंडिया में मद्रास में अलग तरीके की समस्याएं थी, मैसूर राज्य एक बड़ा चैलेंज था, हैदराबाद एक बड़ा चैलेंज था, ये सब समस्याएं। मैं ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी समस्याएं उनके लिए थी। ऐसे समय पर वॉरेन हॉस्टिंग यहाँ पर आए और उनको मराठास का, ठीक है, मराठास का एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, इस समय पर मराठा लोग एक मजबूत शक्ति बन रहे थे, हैदर अली एक मजबूत शक्ति था, निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो एक मजबूत शक्ति था, इन तीनों का सामना वॉरेन हास्टिंग को करना था। मराठा इस समय में एक मजबूत एनिमीज थे, फॉर्मिडेबल एनिमीज थे, और हैदर अली भी एक समस्या थी। इसके अलावा अमेरिका में ब्रिटिश जो लोग थे अमेरिका को लूज कर रहे थे। अमेरिका में इस समय पर, वॉरेन हास्टिंग के समय पर क्या चल रहा था? वहाँ पर भी इंडिपेंडेंस के लिए काम चल रहा था, वहाँ पर आज़ादी के लिए विद्रोह शुरू हो रखे थे। अगर आपने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में, ठीक है, अमेरिका भी ब्रिटिश कंट्रोल में था, तो अमेरिका के अंदर में अमेरिकन रेवोल्यूशन इसी समय पर, शायद 1765-70 के बीच में ये दौर था जब वहाँ पर ये लड़ाई, तो अमेरिका में भी वो कमज़ोर हो रहे थे। तो इनके बीच युद्ध हुआ, और जिस जो था पहला एंग्लो मराठा वॉर कुछ ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं हुआ, ठीक है, दोनों साइड बराबर रही। वॉरेन हॉस्टिंग ने इसके अलावा हैदर अली के साथ दो एंग्लो मैसूर वॉर लड़े, 1780-84 में दूसरा था, और उससे पहले 1760-66 के आसपास पहला जो हैदर अली का युद्ध था, एंग्लो मैसूर वॉर, वो लड़ा गया। तो ये दो युद्ध हैदर अली के साथ वॉरेन हास्टिंग ने लड़े। वॉरेन हास्टिंग का जो काल रहा वो सबसे महत्वपूर्ण रहा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी के लिए। उन्होंने जो प्रशासनिक सुधार किए और प्रशासनिक स्थायित्व देने की कोशिश की ताकि प्रशासन को मजबूत किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वॉरेन हॉस्टिंग लेकर आए, और विशेष रूप से ये रिफॉर्म जस्टिस के क्षेत्र में, न्याय प्रणाली में, जो हमारी न्याय प्रणाली थी उसके लिए लाए गए। जो जस्टिस सिस्टम में हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत की स्थापना की गई, सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत की स्थापना की गई, ये दोनों अदालतों की स्थापना यहाँ पर की गई।
जो सिविल कोर्ट होते थे उसमें मौलवीज और हिंदू पंडित, क्योंकि अभी तक का जो लीगल सिस्टम था वो मौलवीज और हिंदू पंडित पंडितों के हाथ में था, तो वो लोग इंटरप्रेट करते थे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनके बेसिस पर फैसले देता था। क्रिमिनल कोर्ट काजी और मुफ्ती के अंडर होता था और जो है उसमें ओवरऑल कलेक्टर का सुपरविजन होता था। यहाँ पर जो एक इशू था वो था जो हमारे देश में जो न्याय प्रणाली थी वो बहुत अलग अलग थी, अलग अलग धर्म शास्त्र के अनुसार और जो मुस्लिम लॉ के अनुसार जो यहाँ की न्याय प्रणाली निर्धारित होती थी, और कहीं भी कुछ लिखित नहीं था, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, हर एक कुछ इंटरप्रिटेशन थी और वो इंटरप्रिटेशन भी कॉमन नहीं थी, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हुआ करती थी। तो वो ऐसा समय पर था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या कंट्रोलिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील बनाया गया। सदर निजामत अदालत और कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में की गई कि अगर कहीं कोई फैसला नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कॉर्नवालिस इनके बाद में जो आए वॉरेन हास्टिंग के बाद वो थे कॉर्नवालिस। जब कॉर्नवालिस आए तब तक धीरे धीरे मराठा शक्ति कमजोर हो रही थी। हैदर अली मारा गया था 1782 में, इस समय पर हैदर अली की डेथ हो गई थी और उसका बेटा शासन में टीपू सुल्तान आया, जिसके समय पर ये दूसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर था इसमें हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। इसके समय पर तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1792 में शुरू हुआ वो इसके समय पर हुआ, जिसमें मैसूर को हार का सामना करना पड़ा। 84 तक का जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें दोनों पक्ष बराबरी पे थे, ब्रिटिश और मैसूर, परंतु इस युद्ध में 1792 में टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और टीपू सुल्तान मारा नहीं गया, ध्यान रखिएगा। ये जो है दोनों साइड नुकसान हुआ। टीपू सुल्तान के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान अपने आप में एक यूनिक राजा था भारत के अंदर अगर देखा जाए, तो दो लोग ऐसे हैं टीपू सुल्तान और रंजीत सिंह, इन दोनों लोगों ने ये ऐसे दो राजाओं थे राजा थे, बाकी सब राजा अपने वो ट्रेडिशनल अप्रोच में उसी में काम करते रहे, पर इन दोनों लोगों ने भारत में जो रियासत थी उनको मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया, आर्मी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, वेपन्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, जो बाहर की चीज़ें थी उनको सीखने की कोशिश की। टीपू सुल्तान उसमें आगे था। टीपू सुल्तान के समय पर एक टेंपल ऑफ लिबर्टी बनाया गया। टीपू सुल्तान के समय पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर आर्मी का जो उसकी फोर्सेस थी उनकी सेना थी उसका रेजिमेंटेशन किया गया, रेजिमेंट में कन्वर्ट किया गया। जैसे पहले जो हमारी सेनाएं थी वो ऐसी बटी हुई थी, कोई उनमें सिस्टम नहीं था, पर ये जो रेजिमेंटेशन जो हम देखते हैं ना जिससे कि वो डिसिप्लिन फोर्स की तरह काम करे, वो स्थापित करने का काम अंग्रेजों का था या यूरोपियन पावर्स के पास ये था कि उनकी फोर्सेस रेजिमेंटेड थी, एक सिस्टम से काम करती थी और इसलिए उनको बहुत आसानी होती थी दूसरे पक्ष को हराने में। तो आखिरकार जो ये टीपू सुल्तान के साथ ये जो लड़ाई हुई दोनों में फियर्स वॉर हुआ, परंतु टीपू सुल्तान आखिरकार हार गया और इट वॉज फोर्स मैसूर वॉज फोर्स टू गो इन टू अ ट्रीटी, जिस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी 18 मार्च 1792 को ही तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर के खत्म होने पर। इसमें मैसूर का शासन बड़ा हिस्सा जो है वो ले लिया गया मैसूर से कम उसकी आधी टेरिटरी से छीन ली गई, कुछ हिस्सा पेशवाज को दिया गया, कुछ हिस्सा निजाम को दिया गया,
ये आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा पेशवा को मिला, कौन सा निज़ाम को मिला, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को, और कौन सा हिस्सा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। तो इस प्रकार से जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम ने मैसूर को बहुत कमजोर राज्य में कन्वर्ट कर दिया। हमारे टीपू सुल्तान जो अगले वो आए वो थे लॉर्ड वेलेसिली, अगले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेसिली। लॉर्ड वेलेसिली का समय काल 1798 से लेकर 1805 तक रहा। 1798 से 1805 तक वेलेसिली शासन में रहे। ऐसे समय पर फ्रांस और ब्रिटेन की जो लड़ाई थी वो पूरी दुनिया में चल रही थी, इंडिया में नहीं चल रही थी पर दुनिया में चल रही थी, और उन्होंने भारत में ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया बाय हिज पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। उन्होंने अपनी सब्सिडरी अलायंस की नीति के द्वारा यहाँ पर जो शासन के जो प्रसार में बहुत बड़ी जो उनका शासन का क्षेत्र था उसको प्रसारित करने में, उसके फैलाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सब्सिडरी अलायंस एक ऐसी ही नीति थी। सब्सिडरी अलायंस में जैसा मैं थोड़ी देर पहले भी आपकी चर्चा कर रहा था कि क्या किया जाता था कि जिस भी राजा को हराया जाता था उसका जो शासन था ठीक है वो एज उसको सब्सिडरी के तौर पर, सब्सिडरी का मतलब जो उसके अधीनस्थ के तौर पर वो काम कर सकता था, वो उसे उस पर राजशाही उसी के पास रहती थी परंतु बाकी सारी चीज़ें इनडायरेक्टली अंग्रेजों द्वारा ले ली जाती थी। और उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे इस सब्सिडरी अलायंस के वो थे देवर फोर्स टू साइन अंडर, एक अलायंस साइन करना पड़ता था उनको, संधि करके उनको एक एग्रीमेंट साइन करना होता था कि वो ब्रिटिश फौजों को अपने राज्य में परमानेंटली स्टेशन्ड रहने की अनुमति देंगे। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश सेनाएं हैं उस राज्य की सीमा के भीतर हमेशा मौजूद रहेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो भारतीय शासक है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो पेमेंट भी वो करेगा, सेना अंग्रेजों की रहेगी और उसकी पेमेंट, उनकी सैलरी, उनका खर्चा कौन देगा? इंडियन रूलर देगा। उसको जो अंग्रेजी प्रभुसत्ता है, पैरामाउंसी है, क्वीन है, उसके शासन को स्वीकार करना पड़ेगा। वो अपनी कोई फोर्स, अपनी कोई सेना नहीं रख पाएगा, जो भी उसकी अपनी सेना है उन सेनाओं को उसको डिसबैंड यानी कि उनको ख़त्म करना होगा, उनको की छुट्टी करनी होगी। जो सुरक्षा का काम है उस राजा के लिए लड़ाई लड़ने का काम कौन करेगा? ब्रिटिश सेना करेगी। अब वो राजा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा बल्कि ब्रिटिश सेना उसके लिए लड़ाई लड़ेगा, इसलिए उसको अपनी फोर्सेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अंग्रेजों की फोर्सेस से ही काम चलाना पड़ेगा। वो किसी भी दूसरी विदेशी शक्ति के साथ, किसी भी अदर फॉरेन पावर के साथ ब्रिटिश अप्रूवल के बिना, ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी विदेशी शक्ति के साथ, दूसरी शक्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं रख सकता। जैसे एक राजा, जैसे टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ, फ्रेंच के साथ अपने संबंध स्थापित किए, उनसे बोला कि आप हमें अपनी सेना को कैसे बेटर करना है सिखाइए, हमारी वेपनरी को, हमारे हथियारों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं वो बताइए। तो उन्होंने फ्रेंच लोगों ने ये काम किया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इधर इंग्लिश लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी लोग उसको पीछे से सपोर्ट करें, तो उसने कहा कि नहीं, आप ऐसा कोई अलाइनमेंट नहीं करेंगे, किसी भी विदेशी शक्ति से कोई बातचीत नहीं करेंगे बिना अनुमति के। एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक रेजिडेंट हमेशा
मौजूद रहेगा उसके कोर्ट में, उस राजा के कोर्ट में, उसके दरबार में एक रेजिडेंट रहेगा। बेसिकली ये रेजिडेंट ही था जो इनडायरेक्टली शासन चलाता था। अच्छा, अब इतनी सारी चीजें लेने के बाद हमारे जो शासक है उसको क्या मिलेगा? वो कहेगा कि मैं, मेरे को क्या मिलेगा, आपने सेना ले ली, शासन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले लिया रेजिडेंट को, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर कोई भी विदेशी उस पर, कोई भी विदेशी मतलब उस पर बाहरी अटैक होता है, मान लीजिए टीपू सुल्तान का राज्य है, ये हैदराबाद का राज्य है, इधर मराठा का राज्य है, अब मराठा हैदराबाद पर शासन को हमला कर देते हैं, मराठा लोगों ने हैदराबाद पर शासन कर दिया, तो अब हैदराबाद को बचाने की, मराठाओं से बचाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? ब्रिटिश लोगों की। ब्रिटिश लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनको कोई लड़ाई लड़ने की हैदराबाद के निज़ाम को जरूरत नहीं है, बल्कि ब्रिटिश लोग उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, सभी एक्सटर्नल अटैक्स को वो वहाँ से भगाएंगे। ब्रिटिश लोगों ने ये बोला कि हम आपके निजी मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, आपके स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम किसी तरीके का कोई दखल नहीं देंगे, परंतु ऐसा कभी किया नहीं गया। ब्रिटिश ने बोला ऐसा, पर ऐसा कभी किया नहीं गया। तो इस प्रकार से जो हमारे रियासत थी उनको अपनी जो स्वाधीनता थी वो त्यागनी पड़ी, अब वो स्वाधीनता उनके पास नहीं रही, वो स्वाधीनता उनके पास से खत्म हो गई। अब राजाओं पर इस संधि का बहुत बड़ा, सभी पर इसका भारी असर हुआ कि नंबर एक, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो सेना में काम करते थे लोग, पहले लाखों लोग सेना में काम करते थे, हजारों लाखों लोग वो राजा से तनख्वाह पाते थे, नवाब से तनख्वाह पाते थे, अब वो सभी लोग बेरोजगार हो गए, वो सड़कों पर घूमने लगे। लोगों के जो वेलफेयर की बात है, अब वेलफेयर कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, वेलफेयर के लिए काम करना बंद कर दिया गया। जैसे पहले के नवाब है या राजा है, किसी का कोई समस्या है तो वो फरियाद कर सकता था राजा के सामने, नवाब के सामने अपनी फरियाद करते थे लोग कि हमारी ये दिक्कत है, तो नवाब अपनी सुविधा के अनुसार उनकी फरियाद को सुनते थे। बट अंग्रेजों के सामने ये चीज सब पूरी तरीके से बंद हो गए। अच्छा, अब राजा को भी कोई डर भी नहीं था, क्योंकि अगर कोई विद्रोह हो भी गया, मान लीजिए लोग परेशान हैं, लोगों ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ, तो उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? ब्रिटिश लोगों की। उस राजा की तो अब कोई जिम्मेदारी रह ही नहीं गई, अगर कुछ झगड़ा होगा तो वो समझेंगे। ब्रिटिश लोगों को इस ट्रीटी से बहुत सारा फायदा हुआ, उनके पास एक बहुत बड़ी सेना बन गई, और जिसके लिए उन्हें एक पैसा खर्चा भी नहीं करना था। खर्चा करते थे इंडियन रूलर और सेना थी ब्रिटिश लोगों की। अब उन्हें जहां वो जरूरत थी उस सेना को ले जाके वो उससे लड़ाई लड़ सकते थे, तो इससे अंग्रेजी शासन और ज्यादा मजबूत हुआ। जो निजाम ऑफ हैदराबाद था वो पहला व्यक्ति बना जिसने 1798 में इस ट्रीटी को साइन किया, निजाम ऑफ हैदराबाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। इसके बाद में अवध को, अवध ने 1801 में इस ट्रीटी को साइन किया, मैसूर ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो वहाँ का शासन में आया था उसको त्रावणकोर का एक राजा, उनके जो राजा थे उन्होंने भी इस सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया। अब जो है जब बड़ी शक्तियों में टीपू सुल्तान ख़त्म हो गया, निज़ाम ख़त्म हो गया, अवध ख़त्म हो गया, तो मराठा को छोड़ के मराठा एक बड़ी शक्ति रह गए ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर, जो ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थे, जो अभी भी ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे। इस समय पर 1800 शुरू होते होते तक, उससे पहले ही हो चुके थे,
सन 1800 आते आते तक, ये समय आते आते तक मराठा शक्ति जो है पांच चीफ, पांच इंडिपेंडेंट चीफ्स के अंदर में बटी हुई थी, जो थे भोसले, होलकर, सिंधिया, पेशवा और एक और गायकवाड़। ठीक है, ये पांच चीफ हुआ करते थे, भोसले, होलकर, सिंधिया, सिंधियाज ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर वाले क्षेत्र में थे, भोसले नागपुर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे और पेशवा पुणे में थे। तो ये पांचों जगहों पर ये अलग अलग इंडिपेंडेंट चीफ थे जो मराठा शासन के अंदर में काम करते थे। जी बोलिए, करना चाहता हूँ। अच्छा, पेशवा और सिंधिया, अब इन्होंने जो है ना बारी बारी, ये भी इनकी भी आपस की समस्याएं थी कि ये पांचों मराठा थे पर आपस में भी ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे होलकर्स ने पेशवा और सिंधिया की फोर्सेस को हरा दिया 1802 में, तो ऐसे में जब पेशवा और सिंधिया हार गए तो पेशवा दौड़कर ब्रिटिश के पास पहुंच गया, अंग्रेजों के पास पहुंच गया और सब्सिडरी ट्रीटी एक्सेप्ट करी बाय ट्रीटी ऑफ बेसिन। किसी का माइक्रोफोन ऑन है प्लीज बंद करिए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेसिन के अंदर अब सब्सिडरी ट्रीटी साइन किया। अपना माइक्रोफोन बंद रखिए जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है। काइंडली इनको कोई बाहर कर देना, जिनका भी माइक्रोफोन ऑन हो आप प्लीज उनको आउट कर दीजिएगा। सूरज, इफ यू आर देयर इन द क्लास काइंडली डू दिस। ठीक है, जो जो माइक्रोफोन ऑन हो उसे बाहर कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए और मुझे बता भी दीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम अपने इस पर आते हैं। ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ भसीन या ट्रीटी ऑफ बेसिन इसको बोला जाता है। और इसमें जो है हमारे जो पेशवाज थे, जो मराठास के मुख्य शक्ति थे, उन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस को मान लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हमारे निज़ाम हैदराबाद चला गया, हमारा मैसूर का राज्य चला गया, हमारा अवध चला गया, अब हमारे पेशवाज भी चले गए। इसको भसीन ट्रीटी कहते हैं। बाद में ये जो था मराठा एम्पायर 1818 आते आते तक पूरी तरीके से पेशवा टेरिटरी को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। पेशवाशिप को रीस्टोर किया गया इस सब्सिडरी ट्रीटी में आफ्टर एंग्लो मैसूर वॉर। क्यों किया गया होगा, पेशवाशिप क्यों रीस्टोर कर दी, क्यों दे दिया गया पेशवाशिप, क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने शासन को आप उस अपने राजमहल में रहो, ठीक है हमारी सेनाएं रहेंगी, आप एज अ सब्सिडरी रूलर आप वहां पर काम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में 1818 में वो सिस्टम भी अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से एक स्लो स्लो तरीके से भारत को एक एक करके, एक एक टुकड़े टुकड़े करके भारत को जीता था, बहुत मेहनत से जीता था, बहुत स्ट्रेटेजी से, चालाकी से उन्होंने भारत पर विजय हासिल की। तो इससे पहले वो ब्रिटिश प्रोटेक्शन में चला गया, उसके बाद उसको पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया गया। अभी भी कई राजा ऐसे थे जो इन नीतियों को मानने में, इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसे कि ये होलकर्स जो वेलिसली के थे, ये शक्तियां थी,
होलकर्स ने अलग अलग समय पर इन लोगों ने ब्रिटिश उसको राज्य को के साथ एक एक करके बारी बारी करके इन पर हमला करना शुरू किया। परंतु अगर ये पांचों चीफ, पांचों मराठा चीफ एक साथ मिलकर यदि लड़ाई लड़ते तो शायद जो अंजाम है वो कुछ और हो सकता था। अगले हमारे हैं लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग विल टेक सम टाइम, ठीक है, तो कल यहीं से शुरू कर लेंगे लॉर्ड हास्टिंग से, ठीक है, कि लॉर्ड हास्टिंग के समय पे क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये इसको आगे पूरे लेसन को पढ़ लें ताकि हमारी जो चर्चा है वो ज़्यादा कंसाइज होके जल्दी से ख़त्म हो सके। अगर किसी का कोई सवाल हो यहाँ तो अपना सवाल पूछ सकता है। जी पूछो। सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हेलो सर, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? जैसे आईआर का तो हमारे पास लिंक था तो उसमें देख लिया करते थे, ये नोट्स नहीं मिल पा रहे हिस्ट्री के। ये भी वहीं मिलेंगे यार, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, सारे नोट्स एक ही जगह पर पड़े हुए हैं। ये वेबसाइट है, कोचिंग की वेबसाइट है, देखो सब कुछ कोचिंग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराने की है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको हमें मतलब ये कॉन्टेक्ट करना पड़े, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई बड़ा लंबा चौड़ा टीम के 10 आदमी काम करते हैं, 25 आदमी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। ये ऑनलाइन क्लास में आप जब जाते हो, यहाँ पर कोचिंग में जब जाते हो, कोचिंग की वेबसाइट खोलो, उसके ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करो। ऑनलाइन क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज आईआर का मटेरियल यहाँ मिलेगा, करंट का यहाँ मिलेगा, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न और इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये सब यहाँ मिलेगा। आपको बस यहाँ जाकर इसे क्लिक कर देना है। जिस भी सब्जेक्ट को क्लिक करोगे उसके नोट्स खुल जाएंगे। आप उन नोट्स को लेसन वाइज, जैसे अभी हम लेसन नंबर 1 कर रहे हैं, लेसन नंबर 3 और 1 एक साथ चल रहा है, तो लेसन नंबर 1 और 3 को आप एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर ये नोट्स हिंदी पर भी मौजूद हैं, कुछ के मौजूद हैं, सबके मौजूद नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर कोई नया, कोई ऐसा नया स्टूडेंट तो नहीं है, कुछ नए स्टूडेंट, एक दो नए स्टूडेंट की बात थी, उनको किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही क्लास करने में? नहीं। यहाँ पर एक चीज और, आपको स्टूडेंट लॉगिन करके अपना यहाँ से करना चाहेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट लॉगिन में जाके, हाँ, यहाँ से आपको क्लास करनी है, अगर किसी को अभी तक भी क्लास करने का ना समझ आया हो, और असाइनमेंट करने हैं, ये ज़रूर करना है, इसको यूज़ करना है। इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, इनके इकोनॉमी, इनके क्वेश्चंस यहाँ अपलोडेड है, काइंडली पढ़िए और इनको करिए। वैसे ये जो पुराने बैच है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। थैंक यू।